यस कैंडिडेट, जब भी मैंने बात किया, जब भी मैंने आपको बताया चीजों को, इन्फॉर्मेशन दिया, वो बिल्कुल ऑथेंटिक थी, जेन्युइन थी। बहुत सारे वीडियो में, मैसेज में आपने देखा कि पहले की CITS का फॉर्म आ गया मई में ही और ऑनलाइन होगा 3 जून से, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन फेक थी। मैंने हमेशा आपको कहा है कि आपको CITS, अगर आप CITS के कैंडिडेट हैं, CITS करने वाले हैं, तो आप हमेशा निमी ऑनलाइन एडमिशन की वेबसाइट विजिट करें और उस पे जो इन्फॉर्मेशन मिले उसी को आप ऑथेंटिक माने, उसी को सही माने। तो इस वक्त दो ही चीज शेड्यूल हुआ है, एक एडवर्टाइजमेंट है और एक एडमिशन शेड्यूल है। तो तीसरी जो चीज है, CITS 2024 का नोटिफिकेशन यहाँ कहीं नहीं दिख रहा है। नोटिफिकेशन में क्या होता है कि बहुत सारी कंप्लीट डिटेल्स होती है एडमिशन सेंटर से, एग्जामिनेशन सेंटर से संबंधित, CITS के सेंटर, NSTI के सेंटर, फीस, कौन लोग एलिजिबल हैं, किसके लिए फीस नहीं है, हॉस्टल फीस, तमाम इन्फॉर्मेशन होती है नोटिफिकेशन में, जो अपने लास्ट वीडियो में मैंने बहुत सारा डिटेल्स दिया है, या एंड स्क्रीन पे भी आपको मिल जाएगा। इस वीडियो को भी आप देख सकते हैं, साथ में ही वीडियो स्किप करने से पहले पूरी वीडियो देख लें, ताकि इस पे मैं सिर्फ यही नहीं बताने वाला हूँ कि आपका 5 जुलाई तक फॉर्म ऑनलाइन हो रहा है। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन CITS से जुड़ी भी देऊंगा, जो आपको बहुत ही जरूरी है, आपको जानना जरूरी है। दो चीज की जल्दी जल्दी अगर बात कर लेते हैं, जानते हैं आप लोग कि अगर एजुकेशनल वीडियो होती है, इंफॉर्मेटिव वीडियो होती है, तो उसमें लॉन्ग होती ही होती है नहीं चाहते हुए भी। तो सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट की बात कर लें, तो एडवर्टाइजमेंट आपको निमी ऑनलाइन एडमिशन पे ही मिल जाएगा 24-25 के लिए, जबकि इसके अंतर देखिए लिखा है शैक्षणिक सत्र 22-23, यानी ये पुरानी इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन नहीं है, एडिट प्रॉपर शायद नहीं हुआ होगा, मैं नहीं एडिट किया हूं, ये ऑफिशियल वेबसाइट का डाउनलोड पेज आप देख रहे हैं। 2024 से 25 के लिए उन्होंने इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, DGT से जारी है, 15 जून 2024 से 5 जुलाई 2024 के बीच अप्लीकेशन होंगे। यहाँ तेज दिया है तो उस पर आप न जाएं। इसका इंग्लिश वर्जन देखेंगे तो देखिए यहाँ पर 5 जुलाई 2024 है, 15 जून 2024 है, यहाँ सेशन 24-25 है, यहाँ भी सेशन 24-25 है। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने ये भी बता दिया है कि जो शेड्यूल है, जो आप फॉर्म भरने के बाद एंट्रेंस एग्जाम होगा, वो हम 21 जुलाई को करेंगे, लेकिन ये कंफर्म नहीं है, इस पर लिखा है 21 जुलाई हो सकता है, डेट थोड़ा आगे पीछे हो सकती है, या सेम डेट पर एग्जाम हो जाएगा। थोड़ा सा टेंटेटिव एग्जाम के बारे में बात कर लें, ये जो एडमिशन शेड्यूल है, एडमिशन शेड्यूल आपको 24-25 का दिया हुआ है, लेकिन डेट वेरी कर सकती है, थोड़ा आगे पीछे हो सकती है या बहुत आगे हो सकती है, लेकिन जून के महीने से लेके सितंबर महीने तक, जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो जाता, आप इंस्टीट्यूट में नहीं पहुंच जाते, तब तक आप इस कैलेंडर में जो डेट दी है, इस टाइम में आप बहुत ही एक्टिव मूड में होंगे। डिटेल बताते चलूंगा और इसमें क्या होता है वो सारी चीजें बताते चलूंगा। अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो जरूर पूरा देखें। जैसे कि आप जान रहे हैं कि 15 जून से 5 जुलाई ऑनलाइन की डेट है, 13 जुलाई से 21 जुलाई तक आपके डाउनलोड होंगे हॉल टिकट, साथ में ही आप ऑनलाइन अपने मोबाइल से ही ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं कि एंट्रेंस एग्जाम का टेस्ट किस प्रकार से होता है, कैसा क्वेश्चन आता है, ये आपको इसी वेबसाइट से मिल जाएगा। एग्जाम आपका जैसे 21 जुलाई को बता दिया, रिजल्ट 28 जुलाई को आ जाएगा, फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग 31 जुलाई से 3 अगस्त चलेगी, वेरिफिकेशन 5 अगस्त से 7 अगस्त 2024 तक होगा, ऑनलाइन ट्रांसफर पहले राउंड का 8 अगस्त में होगा, रिजल्ट जो ऑनलाइन आपने ट्रांसफर राउंड डाला था उसकी लिस्ट आएगी 9 अगस्त को, और कितनी सीटें कहाँ पर खाली हैं वो भी आपको दिख जाएंगी नेक्स्ट राउंड के लिए, यानी सेकेंड राउंड के लिए, जिसको आप द्वितीय लिस्ट कहते हैं, सेकेंड लिस्ट कहते हैं। 11 अगस्त से 14 अगस्त के बीच में आपके सेकेंड राउंड की काउंसलिंग होगी। आप सभी जानते हैं, आप कोई मुंबई से होगा, कोई बनारस से, कोई लुधियाना, कोई बेंगलोर, कोई कानपुर, तो आपके जो रिजल्ट आने के बाद सेकेंड राउंड की काउंसलिंग हो या फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग हो, जो आपका नजदीकी NSTI होता है, वहां पर अब तक वहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते आया है और प्रोविजनली एडमिशन आपका हो जाता है, बाद में जहां पर आपका एडमिशन हुआ रहता है उस NSTI को आप जाते हैं। लेकिन इस बार भी वही रूल है या कुछ चेंज हो जाएगा, जब तक वो नोटिफिकेशन नहीं आएगा, हम मानकर चलेंगे कि जो लास्ट ईयर का रूल है वही रहेगा। दूसरा चीज है कि पहले CITI की अगर बात करूं तो सिर्फ ITI वालों में NCVT जो ट्रेड था उनको ही लेते थे, फिर बाद में NCVT SCVT दोनों तरह के कैंडिडेट CITS करने लगे, साथ में डिप्लोमा के भी बच्चे और बीटेक के भी बच्चे, ये रूल पहले से है डिप्लोमा और बीटेक के लिए, लेकिन ITI के बच्चों के लिए सिर्फ NCVT लेता था, बाद में NCVT भी लेना लगा। उसके बाद
बात करें ट्रांसफर राउंड आपको बता ही दिया, सारा डेट दिया हुआ है। थर्ड राउंड की काउंसलिंग आपकी 23 अगस्त से 26 अगस्त 2024 तक होगी। वेरिफिकेशन आपका नजदीकी एनएसटीआई में हो जाएगा 28 अगस्त से 30 अगस्त के बीच। फिजिकल रिपोर्टिंग ऑफ द एडमिटेड इंस्टीट्यूट जिस एनएसटीआई में या जिस आईटीओटी में, एनएसटीआई यानी कि जो भारत सरकार का आपका इंस्टीट्यूट है, नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, या आईटीओटी ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर, ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स जो स्टेट गवर्नमेंट कंडक्ट करती है, दोनों ही जगह 2 सितंबर तक आपको रिपोर्ट कर देना है जहां पे आपका एडमिशन हुआ रहेगा। उसके बाद आती है स्पोर्ट राउंडिंग की बात। स्पोर्ट राउंड या वॉकिंग एडमिशन, यानी पूरे एनएसटीआई या पूरे आईटीओटी की जो लिस्ट है वो वेबसाइट पर डिस्प्ले होती है, और आप अपना ट्रेड देखते हैं कि हमारे ट्रेड की सीट खाली है या नहीं। अगर खाली है तो आप वहां पहुंच जाते हैं, स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट करते हैं और वहां पे एडमिशन आपको मिल जाता है। वो 3 सितंबर से 4 सितंबर यानी 3 सितंबर से 4 सितंबर के बीच होना है। सेशन आपका 5 सितंबर से चलना है, ये डेट आगे पीछे भी हो सकती है। उसके बाद आपका सेशन कंप्लीट होगा 2 जुलाई अगस्त 2025 में, जैसा कि अभी हुआ है, बच्चे इस समय एग्जाम दे रहे हैं। तो यह एक एडमिशन शेड्यूल था 24-25 के सेशन के लिए, लेकिन ये शेड्यूल में थोड़ा चेंजेस हो सकते हैं, तो बहुत हड़बड़ाहट में फॉर्म न भरें। दूसरी बात कि अगर आपका जाति निवास पुराना है, 2 साल 3 साल पुराना है, जैसा आप लोग ऑनलाइन करते होंगे, फॉर्म करते होंगे, तो कुछ कंडीशन ऐसी रहती है कि 3 साल से पुराना होगा तो अप्लीकेबल नहीं होगा, 2 साल से पुराना होगा तो अप्लीकेबल नहीं होगा। तो अपना निवास, जाति, अपडेटेड डेट का अभी से अगर ऐसा है तो रजिस्ट्रेशन करा दीजिए, ताकि एडमिशन के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टाइम आते आते आपको समय से मिल जाए। उसके बाद आप फॉर्म ऑनलाइन में भी आपको लग सकता है, तो फॉर्म ऑनलाइन में अगर पुराने से भर देंगे या रजिस्ट्रेशन करा के भर देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप कोशिश करें कि अगर आपका डॉक्यूमेंट पुराना है, डॉक्यूमेंट इन सेंस कहने का मतलब ये है कि आपका जाति और निवास ज्यादातर यही ढूंढे जाते हैं। बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स आप इकट्ठा कर लेंगे, आराम से फॉर्म भरेंगे, 5 जुलाई तक फॉर्म भरना है तो जून में ही फॉर्म भर के कंप्लीट कर लेंगे, ये नहीं इंतजार करेंगे कि जुलाई में भरेंगे। लास्ट टाइम में सर्वर पर इतना लोड होता है, इतने लोग फॉर्म ऑनलाइन में होते हैं कि पूरे दिन में कभी कभी लग जाता है एक लोगों का फॉर्म ऑनलाइन करने में। तो ये सब चीजें आप ध्यान रखेंगे और ध्यान में रखते हुए अपनी प्लानिंग, अपनी तैयारी को करेंगे। दोस्तों अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मेरा टेलीग्राम ग्रुप ई एंड इन्फो आईटीआई को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसमें सभी सीआईटीएस के बच्चे, आईटीआई के बच्चे जुड़े हुए हैं। कुछ भी आपको अपडेट चाहिए रहती है तो वहां से मुझसे पहले बच्चे वहां पे शेयर कर देते हैं इंफॉर्मेशन। तो बहुत ही अच्छा ग्रुप है, यदि आप सीआईटीएस करने जा रहे हैं या आईटीआई के स्टूडेंट हैं। डिप्लोमा पॉलिटेक्निक है तो उसमें अनुदेशक वर्ग के भी कैंडिडेट हैं जो आईटीआई में इंस्ट्रक्टर बनना चाहते हैं, तो ग्रुप बहुत ही फायदे का है। अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो जरूर कर सकते हैं, उसका लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करिए और ज्वाइन हो जाइए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। किसी और अपडेट के साथ, किसी और फ्रूटफुल इंफॉर्मेशन के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।